हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जियो थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है। व्हाट एग्जैक्टली जियो थर्मल एनर्जी, किस तरह से वो क्रिएट होती है और किस तरह से उसे ऑब्टेन कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो अब जैसा कि हमने कहा कि हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा टास्क हमेशा यह रहता है कि कैसे भी करके जो नेचुरल अकरिंग एनर्जी है, उन एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। हमारा मेन टास्क रहेगा कि हमेशा हमें ये कोशिश करनी है कि विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो या जियो थर्मल एनर्जी हो या ओशन एनर्जी हो, इन सभी एनर्जीज से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह से एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। आप ये जानते हैं कि यूनिवर्स में हर एक मैटर, हर एक चीज, यूनिवर्स में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक मैटर होता है और एक स्पेस। तो स्पेस मींस खाली जगह, इट्स अ वॉइड, जिसे हम वॉइड कहते हैं। एंड देन मैटर, मैटर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। लेकिन और निचले लेवल पे देखा जाए तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, बिकॉज मॉलिक्यूल कैसे बना है, मॉलिक्यूल भी एक एटम से ही बनता है। आप ये जानते हैं एटम कैसा होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और बाहर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सो एक बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं प्रोटॉन्स, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम जानते हैं। नाउ फिर हमने ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस बेसिकली एक हार्ड डेंस पार्ट है एक एटम का, बहुत ही छोटा है, जिसमें अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, या न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के बहुत ही करीब रखे हुए हैं, बहुत क्लोज हैं। बट हमने ये चीज भी पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मींस अगर दो पॉजिटिव चार्जेस मैं एक दूसरे के पास लेके आऊंगा, सो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इस तरह से लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो अब न्यूक्लियस के अंदर अगर पॉजिटिव प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो पॉजिटिव प्रोटॉन्स एक साथ उस न्यूक्लियस के अंदर रह कैसे रहे, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर, तो इट मींस उन्हें पॉजिटिव पास पास लाने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी ताकि वो पास पास रहें, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं। नाउ अब जैसे कि मैंने दो पॉजिटिव चार्जेस को क्लोज क्लोज किया और क्लोज करा और बहुत क्लोज कर दिया, जैसे ही मैं उन्हें छोड़ूंगा वो वापस से दूर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि न्यूक्लियस के अंदर वह सभी चार्जेस स्टेबल हैं, वह सभी चार्जेस वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या होता, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता, एटम खत्म हो जाता, उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता, बिकॉज बहुत सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास में होने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन होने की वजह से वह दूर जाएंगे एक दूसरे से और फाइनली न्यूक्लियस को खत्म कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बहुत सारे एलिमेंट्स, यह सभी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिस्ट करते रहेंगे लंबे समय तक। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बिकॉज दीज एटम्स, दीज मॉलिक्यूल्स, दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल। यह सभी स्टेबल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स हैं। यह स्टेबल क्यों है, बिकॉज इनका एटम स्टेबल है। एटम स्टेबल मतलब उसके अंदर का न्यूक्लियस स्टेबल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम की बात करूं, तो लिथियम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, वह प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिथियम एक एलिमेंट, एक स्टेबल एलिमेंट है। आपको लिथियम मिल सकता है, ऐसा नहीं कि लिथियम यूनिवर्स से गायब हो जाएगा। ओके, सो यह सभी क्या है, यह सभी स्टेबल न्यूक्लियस है। तो वर्ल्ड में या यूनिवर्स में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, वन इज स्टेबल न्यूक्लियस एंड वन इज अनस्टेबल न्यूक्लियस।
नाउ स्टेबल न्यूक्लियस जैसे लिथियम हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकन, ये सभी क्या है? ये सभी स्टेबल न्यूक्लियस के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते रहेंगे लंबे समय तक। ये क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? अभी हमने कहा कि इनका न्यूक्लियस स्टेबल है। स्टेबल कैसे? जो पॉजिटिव चार्जेस अंदर रखे हैं, जो प्रोटॉन्स रखे हैं, वह स्टेबल है, वह बाहर नहीं जा रहे हैं, वह एक दूसरे को रिपेल करके दूर नहीं हो रहे, वह सभी एक दूसरे के पास पास ही है। अब ये जो पास पास रखे हुए पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये पास पास एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम कहेंगे दे आर स्टेबल, दे आर एग्जिस्टिंग इन दैट मैनर बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी। सम काइंड ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, दैट्स वाई दीज एटम्स आर स्टेबल। या स्टेबल इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई एक एनर्जी है, किसी प्रकार की एक एनर्जी है जो उन सभी पॉजिटिव प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखती है, जो उन्हें एक दूसरे के पास में रखती है, अदरवाइज तो वो रिपेल हो जाने चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। सो वॉट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स द एनर्जी एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस विच बाउंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखती है एक दूसरे के पास, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस एनर्जी। ओके, सो दिस एनर्जी, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी एटम में एग्जिस्ट करेगी किसी में नहीं। हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से ही एटम एग्जिस्ट करता है। अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में जो एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या वो हमें मिल पाएगा? हमें जो भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक में आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुल 118 एलिमेंट्स होते हैं, यह सभी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो ये एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये स्टेबल हैं और आगे भी स्टेबल रहेंगे। स्टेबल होने का रीजन क्या है? स्टेबल होने का रीजन है न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन कितनी है? क्या वो बहुत ज्यादा है, क्या वो बहुत कम है, थोड़ी सी एनर्जी है? तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करती है, इट्स ह्यूज ह्यूज अमाउंट, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। एक एटम के अंदर जो एनर्जी होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। सो सोचिए कि अगर इस न्यूक्लियर एनर्जी को, जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाली एनर्जी है, अगर इसे हम एक्सट्रैक्ट कर ले, अगर इसे हम निकाल लें और फिर कुछ पर्पसफुली यूज करें, तो हमारा कितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल या हमारे कितने ज्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बच सकते हैं? व्हाई? बिकॉज अगर एटम के अंदर एनर्जी है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है, आपके अंदर एटम है, मेरे अंदर एटम है, हर जगह एटम ही एटम है, जो चीज मैटर है उसमें एटम है, मतलब एटम है तो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है मतलब उसके अंदर एनर्जी है जो कि एक्सट्रैक्ट हो सकती है, किसी ना किसी प्रकार से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी इस चीज पे रिसर्च करी साइंटिस्ट ने, और साइंटिस्ट ने कहा कि जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस जैसे कि लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन न्यूक्लियस की एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट करना बहुत कठिन काम है, इसे आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट्स वेरी टीडियस टास्क टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम स्टेबल न्यूक्लियस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेबल न्यूक्लियस? स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल या फिर लिथियम, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रॉपरली उस न्यूक्लियस के अंदर रखे हुए हैं और वह स्टेबल है। स्टेबल कैसे है? अगर मैं उसमें कुछ छेड़छाड़ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा एक पेन डाल के उस न्यूक्लियस को हिलाया, उसके अंदर छेड़छाड़ करी, तो छेड़छाड़ करने से ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो बस्ट हो जाता है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि वो ब्लास्ट हो जाता है? हम कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल एक बलून, आप एक बलून आपने उसको फुला लिया, उसमें एयर फिल कर दी, और आप उसको पिन से हिट कर रहे हैं। ओके, पिन से हल्का सा हिट किया और फिर छोड़ दिया। अगर वो बलून स्टेबल है तो हल्के से हिट से क्या होगा, वो बलून फूटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने उसमें गैस ज्यादा भर दी, उसमें एयर ज्यादा भर दी, और फिर हल्का सा टच भी किया, उंगली से भी टच किया, तो वो ब्लास्ट हो जाता है।
तो हम कहेंगे कि उस तरह का बलून इज एन अनस्टेबल बलून। स्टेबल बलून कैसा है, आप उसको उंगली से टच कर रहे हैं ओके, बट वो ब्लास्ट नहीं हो रहा, सो दैट्स अ स्टेबल बलून। उसी तरह से न्यूक्लियस भी स्टेबल और अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जिसमें अगर कुछ छेड़छाड़ की जाए, उसमें जो प्रोटॉन्स हैं, उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए तो छेड़छाड़ करने की वजह से वो बस्ट हो जाते हैं। और जब एक न्यूक्लियस बस्ट होता है सो इट रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी क्यों है, बिकॉज वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसी चीजों को अपने अंदर बांधे रखता है, उसे स्टोर करके रखता है, उसे पकड़ के रखता है। सो स्टेबल न्यूक्लियस तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, जो स्टेबल होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस, अब कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा कौन सा स्टेबल होगा ये हमें कैसे पता लगेगा, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने एक एक एलिमेंट्स को लिया और सबके न्यूक्लियस से छेड़छाड़ करके देखी और ये देखा कि किसमें छेड़छाड़ करने से न्यूक्लियस बस्ट हो जाता है या कोई एक्टिविटी करता है। इस तरह से पहले क्या करा, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को छेड़ा, छेड़ने से क्या हुआ ना, छेड़ना मीन्स ऐसा नहीं कि उसको उंगली से टच किया, ऐसे हाथ लगा के हिलाया। There are some specific method, there are some scientific tools जो कि इस काम को करने के लिए बने हुए हैं। तो उन tools को use करके हमने उस nucleus को छेड़ा और ये देखा कि नहीं, कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने hydrogen के बाद helium को रखा, helium को check करा तो उसमें भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसे करके carbon, nitrogen, hydrogen, phosphorus, silicon and barium और सभी elements को, अलग अलग elements को nucleus को छेड़ के देखा और हमें दिखा कि कोई खास असर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता गया, एटॉमिक नंबर बढ़ता गया किसी एटम का, एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ना और एटॉमिक मास बढ़ना मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का इंक्रीज होना। तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी अगर किसी न्यूक्लियस में बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, सो धीरे धीरे हमने ये देखा कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वह अनस्टेबल होता जा रहा है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा दिखेगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल में हमें जो एलिमेंट्स दिखे दे आर, नंबर वन इज यूरेनियम, सेकंड इज थोरियम, देन इज प्लूटोनियम। यह कुछ तीन एलिमेंट्स हमें दिखे जिनका जो न्यूक्लियस है वह बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल मींस साइंटिस्ट ने क्या करा, यूरेनियम के न्यूक्लियस को छेड़ा, छेड़ के देखा तो हाँ वो बस्ट हो गया, तो इसमें इट मींस क्या हुआ, वो एक अनस्टेबल था। जब वो स्टेबल नहीं था तो ऑब्वियसली बात है हल्का सा छेड़छाड़ करने से वो खराब हो जाएगा। देन थोरियम, थोरियम भी क्या है, अनस्टेबल है, उसको छेड़ा वो खराब हो गया। जैसे कि आप कार्ड्स लेते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उस प्लेइंग कार्ड से एक ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर बनाए और आप ये देखेंगे कि अगर उसको हल्का सा भी छेड़ा जाए तो पिरामिड स्ट्रक्चर पूरा गिर जाता है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज वो अनस्टेबल होता है। सो उसी तरह से ये सभी न्यूक्लियंस, ये सभी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हैं। दैट्स व्हाई इन न्यूक्लियस के अंदर ये सभी न्यूक्लियाई जो तीन हमने देखे इन्हें हम अनस्टेबल कहेंगे। और साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि इन तीन न्यूक्लियस से आप न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक एटम में, हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो हम एक्सट्रैक्ट किसमें से करें, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इन तीन एलिमेंट्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो फिर कहा गया कि ठीक है इसकी एनर्जी चाहिए, इसकी चाहिए, इसकी चाहिए, इनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए। फिर यह सोचा गया कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट करें, हम क्या प्रोसेस लगाएं, क्या मेथड लगाएं, क्या टूल इस्तेमाल करें जिसकी मदद से हम इसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो धीरे धीरे स्टडी के बाद ये पता लगाया गया कि इन तरह के, इस तरह के न्यूक्लियस में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के हमारे पास कुल दो मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। दो मेथड्स में द फर्स्ट मेथड इज न्यूक्लियर फिजन एंड द सेकेंड मेथड इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने दो मेथड देखे, वन इज न्यूक्लियर फिजन एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन।
सो हम एक एक करके दोनों मेथड्स को समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. सो नाउ अब ये मेथड को समझने के पहले हम एक छोटा सा यूनिट समझते हैं, एक मेजरमेंट की एक यूनिट को समझते हैं. दैट यूनिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उस यूनिट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट टू मेजर द एनर्जी इनसाइड वन न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाली एनर्जी को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाया, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इट्स अ यूनिट टू मेजर द न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करने के लिए यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये यूनिट हमने क्यों बनाई, सबसे बड़ा सवाल ये आता है. तो हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियस जो होता है, सिंगल न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है. तो अगर इतना छोटा न्यूक्लियस है तो उसमें जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल न्यूक्लियस. तो सिंगल न्यूक्लियस में एनर्जी कोई बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, ओके. लेकिन अगर मैं उसी का हाफ के जी या 100 ग्राम्स किसी भी एलिमेंट का ले लूं, तो 100 ग्राम्स कंटेन लॉट ऑफ न्यूक्लियस. उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस. सो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस की थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलके एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एनर्जी फॉर्म करती है. सो दैट्स व्हाई नाउ व्हाई वी यूज दिस एनर्जी, दिस यूनिट, बिकॉज जूल इज अ लार्ज यूनिट टू मेजर एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस की एनर्जी मेजर करने के लिए दिस जूल इज अ लार्ज यूनिट. ये काफी बड़ी यूनिट है. और नाउ हाउ विल वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियस? वी विल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स. ये यूनिट कुछ इस तरह से बनाई गई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स. सो सोचिए, −19 मीन्स आप पॉइंट के बाद 19 जीरोस लगा दीजिए, देन 1 और 6 लिखे. सो दिस इज बेसिकली द एनर्जी इनसाइड वन न्यूक्लियस. नाउ हो सकता है कि किसी एक न्यूक्लियस में एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, किसी में हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, किसी में हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इतना है तो किसी में कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 3.2 × 10⁻¹⁹ जूल्स. एंड 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4.8 × 10⁻¹⁹ जूल्स. तो इस तरह से हम एक न्यूक्लियस की एनर्जी को एक रिस्पेक्टेबल टर्म में मेजर कर सकते हैं, बिकॉज −19 इज वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻¹⁹. आप हर बार जूल्स में अगर एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी विल बी इन साइंटिफिक फॉर्मेट. सो इसे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हर जगह इसको यूज करना. दैट्स वाई हमने एक ऐसा यूनिट बना दिया. दिस इज वन यूनिट. एंड ऐसे न्यूक्लियस जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1 MeV. 1 MeV इज इक्वलेंट टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स. वाई? बिकॉज मेगा का मतलब कितना होता है? मेगा मीन्स 10⁶. सो दैट्स वाई हमने यूज किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो आप जब 1 MeV में इस चीज को पुट करेंगे, × 10⁶ करेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स ऑफ एनर्जी इन 1 MeV. सो नाउ हमने कहा कि ये जो दो एनर्जी एक्सट्रैक्शन के फॉर्म है, जो दो टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन हैं, कौन से? एक हुआ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन.
नाउ दीज टू फॉर्म्स जो हमने न्यूक्लियर एनर्जी के देखे, दीज आर बेसिकली यूज्ड टू मेक टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन बॉम्ब। आपने सुना होगा जो वर्ल्ड वॉर टू में जापान में जो अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक, उसमें बेसिकली यही दो फिनोमिना काम कर रहे थे, एक न्यूक्लियर फिजन था और दूसरा एक न्यूक्लियर फ्यूजन था। इन दो फॉर्म्स के, इन दो फिनोमिना के बेसिस पे ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था और फिर उसके थ्रू अटैक किया था। तो आप ये जानते हैं कि वह कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक था, पूरी की पूरी सिटीज खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी। सो अगर इस तरह से एक बॉम्ब से पूरी सिटी खत्म हो रही है, सो सोचिए कितना ज्यादा पावरफुल वह बम होगा। ओके, सो हम इसी चीज को स्टडी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फर्स्ट यू कैन नोट दिस, ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी द न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन। सो न्यूक्लियर फिजन, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय न्यूक्लियर फिजन। सो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ अनस्टेबल न्यूक्ली और न्यूक्लियस इंटू डिफरेंट पार्ट्स। न्यूक्लियर फिजन जो टर्म है, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इंटू डिफरेंट पार्ट्स। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जैसे कि एक बलून है, एक बलून अगर उसमें बहुत ज्यादा हवा भर देंगे सो इट विल बिकम अनस्टेबल। अनस्टेबल होने से क्या होगा, हल्का सा भी उसको टच किया सो इट विल बस्ट, और बस्ट होने से क्या होता है, बस्ट होने से उसकी एयर, उसके पार्ट्स, डिफरेंट पार्टिकल्स जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वह सभी इधर उधर बिखर जाते हैं। सो दैट इज वॉट एग्जैक्टली इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में भी वही प्रोसेस होती है, यहां पर क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्लास्ट हो जाता है, बस्ट हो जाता है। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, वी विल से हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस इज अनस्टेबल न्यूक्लियस। यहां पे हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या मीनिंग है, सो वी विल से हम बात कर रहे हैं हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस की, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 235। सो 235 इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। इट मींस उसके न्यूक्लियस के अंदर 235 न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो एक न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करना विल क्रिएट अनस्टेबिलिटी, वहां पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। दैट अनस्टेबिलिटी गिव राइज टू द न्यूक्लियर फिजन। वह अनस्टेबिलिटी की वजह से ही न्यूक्लियर फिजन जैसा फिनोमिना होता है। सो नाउ अब अगर मैं एक अनस्टेबल न्यूक्लियस को किसी चीज से हिट करूं, तो हिट करने से क्या होगा, वो बस्ट होगा। अब जब भी एक अनस्टेबल चीज बस्ट होती है, जैसे कि बलून बस्ट होता है, तो बस्ट होने के बाद क्या होता है, बस्ट होने के बाद उसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाते हैं। सारे पार्टिकल्स जब बिखरते हैं तो जो पार्टिकल्स बनते हैं, जो बिखर रहे हैं, दोस पार्टिकल्स आर स्टेबल पार्टिकल्स। जैसा कि आपने सुना है अर्थ जो थी पहले, तो एक बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा कि अर्थ एक बहुत बड़ा बॉल था, यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा बॉल था, वह बॉल अंदर से बहुत ज्यादा हीट अप हुआ और हीट अप होने से वह बस्ट हो गया, और बस्ट होने से अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह जाके बिखर गए, तो उससे कुछ स्टार्स बन गए, कुछ प्लैनेट्स बन गई, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट्स, ये सभी सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हुए, धीरे धीरे उसी एक बॉल से बन गए, उस बॉल के बस्ट होने से बन गए। तो सेम उसी तरह से न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो एटम, जो न्यूक्लियस बस्ट हुआ, बस्ट होने के बाद वह बिखरता है, तो क्या होते हैं, कम वेट वाले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जैसा अर्थ के साथ हुआ।
एक बहुत बड़ा बॉल बस्ट हुआ था तो अर्थ बनी। अर्थ क्या है? अर्थ उस बॉल का एक टुकड़ा है। सो टुकड़ा है मींस इट हैज अ लेस वेट कंपेयर टू दैट बॉल। सो वी विल से कि अगर एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस बस्ट होता है, सो इट बस्ट इनटू मीडियम वेट पार्टिकल्स एंड ऑल्सो रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बस्ट होता है, सो इट गिव्स राइज टू मीडियम वेट पार्टिकल। सबसे पहले तो मीडियम वेट पार्टिकल्स निकलते हैं और साथ में एनर्जी भी निकलती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। क्या सीखा हमने न्यूक्लियर फिजन में? कि एक न्यूक्लियस बस्ट होगा, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस विच इज अ हैवी न्यूक्लियस, तो उसके बस्ट होने से मीडियम वेट न्यूक्लियस मिलेंगे, मीडियम वेट पार्टिकल्स मिलेंगे और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। नाउ दिस एनर्जी इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियर एनर्जी। अब बस्ट होके एनर्जी कहां से निकली? सबसे बड़ा सवाल कि एनर्जी निकली आखिर कहां से? तो हम कहेंगे कि उस न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी रिलीज हुई है। बिकॉज हमने अभी कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है जिसकी वजह से प्रोटॉन्स एक दूसरे से बाउंड है। तो यूरेनियम की अगर बात करें, सो यूरेनियम कंटेन्स 235 न्यूक्लियॉन्स, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी 235। सो इतने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स को एक साथ होल्ड करने के लिए सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगी होगी। सो लॉट्स ऑफ एनर्जी उसके अंदर भरी हुई है और अगर वो बस्ट हुआ तो बस्ट होने पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव सेड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। एंड हीट ऑल्सो, हीट एंड लाइट के फॉर्म में वह एनर्जी रिलीज करता है। आपने देखा होगा जैसे बम फूटता है, तो बम जब फूटता है तो क्या होता है, उसमें से लाइट भी निकलती है, स्पार्क और हीट भी निकलती है, दोनों चीजों के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। सेम इन दिस केस ऑल्सो। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली यूरेनियम, यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम इज द बेस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियस। नाउ व्हाई वी हैव कॉल्ड इट एज बेस्ट अनस्टेबल, बिकॉज ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसको बस्ट करवाना सबसे ज्यादा आसान होता है। सो इट इज द बेस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियस। नाउ हाउ वी बस्ट दिस, इसको हम बस्ट कैसे करते हैं? जैसे बलून को क्या है, आपने ऐसा पिंच किया, ऐसे फिंगर से पिंच किया तो वो बस्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप यूरेनियम के न्यूक्लियस को तो पिंच नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो वी हैव डेवलप्ड अ मेथड दैट वी कैन क्रिएट न्यूक्लियर फिजन बाय बॉम्बार्डिंग a न्यूट्रॉन ऑन द अनस्टेबल न्यूक्लियस। आप किस तरह से एक न्यूक्लियस को, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस को बस्ट कर सकते हैं? बाय बम्बार्डिंग अ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन को उस पर हिट कर दीजिए, इट विल बस्ट आउट, वो बिखर जाएगा। कंसिडर की एक बकेट में बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है, ओके? एक बकेट में बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है और इतनी ज्यादा बॉल रखी है कि वह बकेट अनस्टेबल है, वह बकेट कभी भी टूट सकता है, ओके? एक बकेट है प्लास्टिक का, उसमें बहुत सारी बॉल्स भरी। अब अगर मैंने उसमें एक और बॉल फेंकी तो क्या होगा? अभी वो बकेट ऑलरेडी इस पोजिशन पे है कि वह कभी भी टूट जाएगा, और फिर मैंने एक और बॉल उसमें डाल दी तो क्या होगा? तो वह डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह से यूरेनियम के साथ क्या है,
इसका न्यूक्लियस इस तरह का है कि ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, बहुत अनस्टेबल है। तो हमने जैसे ही एक न्यूट्रॉन इसमें फेंका, तो न्यूट्रॉन फेंकने से क्या होगा, इट विल बस्ट, उसी समय वो एट द सेम मोमेंट इट विल बस्ट आउट। नाउ हमने कहा कि ये बस्ट हो जाएगा किसकी मदद से, न्यूट्रॉन की मदद से। नाउ दिस न्यूट्रॉन इज नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन। इट इज नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन। यह एक दिस इज अ थर्मल न्यूट्रॉन, यह एक थर्मल न्यूट्रॉन है। वाई थर्मल न्यूट्रॉन, बिकॉज हमने इसको थर्मल एनर्जी दी, हमने एक न्यूट्रॉन को हीट करा, उसको गर्म किया, उसके आसपास टेम्परेचर बढ़ाया, तो हीट करने से, गर्म करने से क्या हुआ, उसके अंदर थर्मल एनर्जी आ गई। थर्मल एनर्जी किसमें बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। इसके पास एनर्जी आई, सो वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और दैट काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू बॉम्बार्ड दिस यूरेनियम। इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करने के लिए वह काइनेटिक एनर्जी यूज करी। कैसे किया गया, न्यूट्रॉन को हिट किया गया, उस न्यूक्लियस के ऊपर हिट किया गया। हिट करने के लिए क्या करा, उसको वेलोसिटी दी, और ये वेलोसिटी की वजह से इट विल हिट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस थर्मल न्यूट्रॉन, सो दिस न्यूट्रॉन इज अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इट्स अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हमने हिट कराया, बॉम्बार्ड कराया इस यूरेनियम के न्यूक्लियस पे, और यह बस्ट हो गया। नाउ अब बस्ट हुआ तो कैसे बस्ट हुआ, मीडियम वेट, इसने पार्टिकल्स दिए, इसने एनर्जी दी, और क्या क्या चीजें दी, और किस तरह से चीजें दी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने बार बार अलग अलग जगह से यूरेनियम लेके आए और उसे अलग अलग न्यूट्रॉन से हिट किया। अलग अलग तरह से यूरेनियम लाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ यूरेनियम इंडिया से ले लिया, कहीं रशिया से ले लिया, कहीं यूएस से, कहीं और कोई कंट्री से, अलग अलग जगह से यूरेनियम लेके उसको हिट कराया, और हिट कराने के बाद कुछ रिजल्ट ऑब्टेन किया, कुछ रिजल्ट ऑब्टेन किया, और उन्होंने ये पाया कि दिस फिजन ऑफ दिस यूरेनियम क्रिएट्स टू मीडियम साइज एटम्स या टू मीडियम साइज न्यूक्लियस एंड थ्री न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। क्या देखा उन्होंने, क्या ऑब्जर्व किया, कि जब मैं यूरेनियम के न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से हिट कराता हूं, तो हिट कराने पे आई विल गेट टू मीडियम साइज न्यूक्लियाई, दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई निकलते हैं और तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस बहुत सारी एनर्जी उसमें से निकलती है। नाउ अब ये जो दो मीडियम साइज न्यूक्लियाई निकल रहे हैं, लेट से हम उसे नाम दे देते हैं A1 और A2। और जनरली ऐसा देखा गया, जनरली इट इज ऑब्जर्व कि जो A1 न्यूक्लियाई निकल रहा है, इसका एटॉमिक मास 130 से 149 की रेंज में होता है, और दूसरे वाले का एटॉमिक मास 185 से 109 की रेंज में होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि आपने एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को बस्ट कराया, तो बस्ट करने पे ये पार्टिकल्स निकले, लेकिन हर बार उन्होंने देखा कि अलग तरह के एटम्स निकल रहे हैं। अब ये दोनों जो एटम्स हैं, ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों मीडियम साइज न्यूक्लियस हैं, मीडियम वेट न्यूक्लियस हैं। सो इनका वेट कितना आ रहा है, 130 से 149 की रेंज में और 85 से 109 की रेंज में। मतलब कभी हिट कराया तो A1 का वेट 130 निकला, कभी हिट कराया तो A2 का वेट 100 निकला, इस तरह से अलग अलग वेट्स निकले, और प्लस साथ में न्यूट्रॉन निकले, और साथ में बहुत सारी एनर्जी। नाउ ये जो न्यूट्रॉन हमें निकले, ये जो हमें मिले यहां से, जो न्यूट्रॉन इसमें से निकलते हैं, दीज न्यूट्रॉन्स कम इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज।
यह न्यूट्रॉन्स गामा रेस के फॉर्म में हमें निकलते हुए दिखाई दिए। तो इस तरह से यूरेनियम का फ्यूजन फिजन हुआ। फिजन में आपने एक बम्बार्ड कराया एक न्यूट्रॉन, और बम्बार्ड कराने से वह जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, न्यूक्लियस था, वह बिखर गया, और बिखरने पे आपको एक मीडियम वेट ये वाला दिया, एक मीडियम वेट ये वाला, देन न्यूट्रॉन्स, तीन न्यूट्रॉन गामा रेस के फॉर्म में, प्लस एनर्जी तो मिली ही सही। तो इस तरह से न्यूक्लियर फिजन होता है। नाउ फर्स्ट यू नोट दिस, फिर इसके बाद हम इसका इक्वेशन लिखते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन होता कैसे, ये फ्यूजन होता कैसे, फिजन। सो फर्स्ट यू कैन नोट दिस, सो यूरेनियम का हमने कहा कि न्यूक्लियर फिजन होता है। दिस फिजन लुक समथिंग लाइक दिस, या कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज यूरेनियम 235 92। नाउ आप ये जानते हैं कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, आपने उसका सिंबल लिखा और नीचे आपने एटॉमिक नंबर लिखा और ऊपर एटॉमिक मास। दिस यूरेनियम 239 व्हेन हिट बाय अ न्यूट्रॉन, दिस प्रोसेस विल क्रिएट न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन होने पे हमें क्या मिलेगा, हमें A1 नाम का एक एलिमेंट मिलेगा, प्लस A2 नाम का एक एलिमेंट मिलेगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, एंड प्लस एनर्जी। कुछ इस तरह से यह रिएक्शन प्रैक्टिकली होती है। आपने यूरेनियम को हिट कराया और A1 और A2 और 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी मिली। अब ये जो दो हमने एलिमेंट्स लिखे A1 और A2, इसका हमने कहा था कि वेट कहां से कहां हो सकता है। A1 का वेट 130 से आप 149 तक कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग तरह के निकलते हैं, और A2 का वेट भी 85 से 109 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द यूरेनियम। लेकिन फिर ये देखा गया कि हर बार जब मैं रिएक्शन कराता हूं, हर बार इस तरह का प्रोसेस में कराता हूं, मैं अलग अलग जगह से यूरेनियम लेके आता हूं और उस यूरेनियम पे मैं बॉम्बार्डिंग कराता हूं न्यूट्रॉन की, और एलिमेंट्स यहां से मिलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स इट इज ऑब्जर्व्ड, सो वी विल से मैक्सिमम टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बेरियम एंड क्रिप्टॉन वर ऑब्टेन्ड। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमें क्या मिले, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमें बेरियम और क्रिप्टॉन नाम के दो एलिमेंट्स फॉर्म होते हुए दिखाई दिए। नाउ बेरियम और क्रिप्टॉन कैसे हैं? बेरियम और क्रिप्टॉन आर स्टेबल, बेरियम एंड क्रिप्टॉन आर मीडियम वेट न्यूक्लियाई। बेरियम और क्रिप्टॉन कैसे हैं? मीडियम वेट न्यूक्लियाई हैं, जिसमें से क्रिप्टॉन इज अ रेडियो एक्टिव एंड बेरियम इज नॉट रेडियो एक्टिव, बेरियम इज अ स्टेबल एटम। ओके, सो क्रिप्टॉन क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वह कुछ प्रकार की बीटा, गामा और अल्फा ऐसी रेज एमिट करते हैं, दोज आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, सो यू कैन नोट दिस।